आज हम बनाएंगे पावर प्रेशर गन, जो कि हवा और पानी को इस्तेमाल करते हुए वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। इसमें जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे ये इस वक्त हमें सामने नजर आ रहे हैं। एक थ्री क्वार्टर्स का पाइप, जिसे हम पौनी का पाइप कहते हैं, ये इसकी लेंथ तकरीबन 7 इंच है। इसी तरह ये हाफ इंच का पाइप है, आधी इंची का, इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 5 इंच है। इसी तरह एक हमारे पास यहाँ पर क्वार्टर इंच का पाइप नजर आ रहा है, ये जिसे दो सूत्र कहते हैं, दो सूत्र का पाइप, और इसकी लेंथ जो है ये भी तकरीबन कोई 6 इंच है। एक और हमारे पास यहाँ पे क्वार्टर इंच का पाइप, दो सूत्र का पाइप है, और इस पाइप के ऊपर हमें जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे लगी हुई नजर आ रही है, ये एक बुश है। इस बुश में दोनों तरफ चूड़ियाँ हैं, जो ऊपर वाली चूड़ी का साइज है ये 3/4 है, यानी पौनी का साइज है, जबकि जो अंदर वाली चूड़ी है वो पाइप के ऊपर जो इस वक्त आपको पाइप उसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि वो ऑलरेडी वो चूड़ी के जरिए उसमें कसा हुआ है, वो अंदर वाला साइज जो है ये एक दो सूत्र है, यानी कि 1/4 इंच। और इसी पाइप के लास्ट में आपको एक सॉकेट नजर आ रही है, जिससे हम दो पाइप्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद एक और हमारे पास सॉकेट आ रही है, ये पौनी इंच से 1/2 इंच की सॉकेट है, यानी एक साइड पे इसका जो साइज है वो 3/4 इंच है और एक साइड जो है वो 1/2 इंच की है। सिमिलरली ये एक टी हमें नजर आ रही है, जिसकी दो साइड जो हैं ये 3/4 इंच की हैं और एक साइड जो है ये 1/2 इंच की है, पौनी आधी की टी जो है ये हमें नजर आ रही है। एक हमें जो यहाँ पर नजर आ रहा है ये हैंडल वॉल्व है, ये भी छोटे साइज का है, दो सूतर, यानी कि 1/4 इंच साइज का एक हैंडल वॉल्व। इसी तरह आधी का एक हैंडल वॉल्व, यानी 1/2 इंच का हैंडल वॉल्व। इसके साथ ही हमें ये 1/4 इंच की, यानी दो सूत्र की दो नोजल्स, और आधी इंच की भी दो नोजल्स जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक सॉफ्ट पाइप, जो आमतौर पे दो पाइप्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ी एक आम सी चीज़ है, ये भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अब हम इनको ज्वाइन करने का तरीका देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें है हमारे पास, वो ऑलरेडी हमने ज्वाइन कर लिया है। एक दो सूत्र के पाइप के ऊपर हमने ये बुश चढ़ाया है, और इस बुश के अगली साइड पे हमें एक सॉकेट भी नजर आ रही है। इस सॉकेट की मदद से हम ये दो सूत्र के पाइप्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी एक बेसिक नोजल, जिसमें से हवा का गुजर होगा, वो ये है। इस नोजल को हम टी के साथ ज्वाइन करेंगे। इसकी फिटिंग बाद में हम कर लेंगे, अभी सिर्फ हम उसका तरीकाकार देख रहे हैं कि हमने किन किन चीजों को ज्वाइन करना है। अब ये अब हमने जो पौनी का पाइप है उसको ज्वाइन कर लिया इसी टी के साथ। तो अब ये बेसिकली हमारे पास एक ही पाइप के अंदर दो मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास आएंगी। जो अंदर वाला पाइप है इससे हमारे पास हवा का गुजर होगा, जो ऊपर वाला पाइप है ये पानी के लिए इस्तेमाल होगा। अब इसको ज्वाइन करने के बाद जो हैंडल वॉल है ये हम इसकी बैक साइड के ऊपर फिक्स कर देंगे। और फिर इस हैंडल वॉल्व के लिए हमारे पास एक नोजल है, जिसमें हमारा हवा का पाइप, एयर कंप्रेसर से जो पाइप आएगा वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा जो एयर के लिए बेसिक स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से हवा एंटर होगी, हैंडल वॉल्व खोलेंगे, अंदर वाले पाइप से गुजरती हुई ये हमारे पास यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब हम दूसरा जो पार्ट है मैकेनिज्म का, वाटर के लिए, ये अब हम ज्वाइन कर रहे हैं। 1/2 इंच की जो पाइप है इसको 1/2 इंच वाली डायरेक्शन में ज्वाइन कर लिया। इसी तरह इसका एक हैंडल वॉल्व जो है पानी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए, ये भी हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे।
और लास्ट में पानी का पाइप लगाने के लिए ये हमने एक यहाँ पर नोजल इसके साथ ज्वाइन किया। तो ये अब इसकी एक बेसिक शेप ये हमारे सामने कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसमें दो चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। नंबर एक तो ये कि ये जब फिटिंग होगी तो ये अंदर वाला पाइप जो है ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, थोड़ा आगे आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर सॉकेट के जरिए जो आगे वाला मुंह है इसका, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये हमने 3/4 से इसको 1/2 इंच में कन्वर्ट कर लिया। 1/2 इंच के बाद हम यहाँ पर आगे इसके नोजल लगा देंगे। तो जिन दो चीज़ों का मैं ख्याल करने के लिए कह रहा था वो ये है कि जो बाहर वाली नोजल का सुराख है ये अंदर वाले सुराख से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एक बात तो ये। दूसरा उसकी लेंथ के बारे में है कि कोशिश ये करें कि जो अंदर वाला पाइप है उसकी लेंथ बाहर वाले पाइप के या तो बराबर हो या उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो। जिस वक्त फिटिंग होगी तो उस वक्त वो अंदर वाला पाइप जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये एक सॉफ्ट जो जॉइंट है इसके ऊपर चढ़ा के हम पानी के प्रेशर को वर्टिकल डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसको यूजुअली टेप के ज़रिए इसके साथ हम जॉइन कर लेते हैं। तो ये हमारी एक बेसिक गन जो पानी और हवा का इस्तेमाल करते हुए एक वॉशर के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है धोने के लिए, किसी भी गाड़ी को, किसी व्हीकल को, सोलर प्लेट्स या किसी भी पर्पस के लिए, आपके एसी की सफाई के लिए, एसी की जो आउटर होता है उसकी सफाई के लिए मल्टीपर्पज़। ये गन जो है ये हमारे पास तैयार हो गई। ये अब हमने इस गन के साथ पानी और हवा के पाइप्स अटैच कर दिए। अब हम पहले पानी का जो वॉल्व है, हैंडल वॉल्व, इसको खोलते हैं। ये हमारा प्लेन वाटर और अब हम इसके साथ ऐड करने लगे हैं एयर प्रेशर।